हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। महेश कामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है, हम आपको बता दें कि जो अमृत नगर दरगाह कब्रस्तान है उसके पास मौजूद हैं, और जिस रास्ते पर हम खड़े हैं ये रास्ता दरअसल सीधा शंकर मंदिर नाके पर निकलता है, जो अचानक नगर का एरिया है। ये पूरा शंकर मंदिर नाके से ये रास्ता जो है सीधा अमृत नगर दरगाह गली पर आता है, और इस रास्ते की हालत हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रास्ते की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। दरअसल कोरोना काल की वजह से इस रास्ते का काम रुका हुआ था, लेकिन विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान आज यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने नारियल फोड़ा इस काम की ओपनिंग को लेकर, और बताया कि दो दिन में इस रोड के काम का जो है शुरुआत किया जाएगा। उन्होंने इस तरह की जानकारी दी कि करीब 70 लाख रुपए का बजट था जो ये रास्ते का भी है, और आगे जो दरगाह गली है उस रास्ते का भी लेकर उन्होंने जिक्र किया, और इस रास्ते का काम जो है वो दो दिन के अंदर शुरू किया जाएगा। इस दौरान जो है यहाँ पर तमाम जो स्थानीय महिलाएं हैं उन लोगों ने नारियल फोड़ा, विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने नारियल फोड़ा, और इसके बाद मीडिया कर्मियों से इस रोड के काम की जानकारी देते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है। सानू भाई, नारियल फोड़ के उद्घाटन के लिए सद्या कसा सा काम होना है, क्या बोलना है आपको? छोटा शंकर मंदिर और कैलाश नगर से लेके दरगाह कब्रस्तान तक का ये रास्ता है, जहाँ पे हमेशा से लॉकेज होने के कारण गटर और रास्ता नीचे होने के कारण, खराब होने के कारण पानी जमा होता था। इसको हम लोग ने UTWD कंक्रीट से डॉक्टर जितेंद्र वाडे के मार्गदर्शन में मैंने संचालन करके लिया। इसका काम जो कोविड के 2 साल की वजह से रुका था, आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि शहर में हर जगह पर काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रभाग के कुछ कामों को हमने जो पहले लिया था जो कोविड के कारण रुक गए थे, अब उनको हम टप्पे वाइज शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही इस परिसर का ये रास्ता बनने से कब्रस्तान, छोटा शंकर मंदिर और कैलाश नगर, साई प्रसाद चाल, ये सारी बिल्डिंग को और इस एरिया के परिसर को लोगों को राहत मिलेगी, और ये खूबसूरत रास्ता एक बनने वाला है। जिस तरीके से 32 नंबर प्रभाग डॉक्टर जितेंद्र रावत जी, मेरे नगर सेवक अश्विन राउत मैडम, फरदाना शाकिर भाई, मेरा दोस्त शाकिब में मर्जिया पठान और जितने मेरे साथी हैं उन सब के साथ मिलकर बुजुर्गों की दुआओं से 32 नंबर प्रभाग में हमने काफ़ी हद तक अच्छे काम करने की कोशिश की है। ऐसे ही अब ये 32 नंबर प्रभाग जो 40 हुआ है, पूरा लक्ष्य पूरा ध्यान हमारा इधर है। आने वाले वक्त के अंदर बहुत जल्द हम यहाँ से लेके शंकर मंदिर परिसर, अम्बेडकर नगर परिसर लोग देखेंगे, ऐसा इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। चलो भाई, आज नारियल तो फोड़ दिया गया है, लेकिन काम की शुरुआत कब से होगी? परसों से काम की शुरुआत होगी। कल सब जितनी भी पाइपलाइन है, जो वायर है, उनको देखा जाएगा, और आपके जरिए मैं यहाँ के नागरिकों को से एक विनती करूँगा, मेरी उनसे मोहतरमा माफ़ी भी है, गुजारिश भी है कि एक लाइनें टूट जाए, वायर टूट जाए तो उस वक्त थोड़ा सा संयम रखिएगा, क्योंकि जहाँ नए काम होते वहाँ पे ये JCP मशीनरी से ऐसी चीज़ें टूटती है। आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, आपको बिना पैसे बिना खर्चे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हम आपको दोबारा बना के देंगे। लेकिन हमारे यहाँ के नागरिक, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बहनें, मेरी ताई, मेरी मौसी, उनसे विनती है कि हमारे कामकार करने वालों को थोड़ा सा सहयोग करें ताकि अच्छा सा एक काम हो जाए। कितना वक्त लगेगा इसमें? ऐसा मैंने सोचा हूँ, शाकिब भाई मर्जिया और शाकिर को यहाँ पर जिम्मेदारी दी है कि डे नाइट यहाँ खड़े रहे, 1 महीने के अंदर ये रोड को कम्प्लीट करना ऐसा संकल्प किया है। इस पट्टे के परिसर के अंदर का यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने ये दरगाह कब्रस्तान के पास और थोड़ा सावर करना कर ऐसा करके 70 लाख रुपए का काम किए, लेकिन टप्पे वाइज 3-4 काम लिए, तो 70 लाख रुपए में 3-4 काम लिया, ये लिया है सावर का नगर पे और थोड़ा सा दरगाह के पास, ऐसे टप्पे वाइज 3-4 काम लिया है जो 70 लाख की लागत से पूरे तक काम होंगे।